आपने तो बहुत तकल्लुफ कर दिया। कुछ भी नहीं किया, मैंने तो पूछा था हाजरा से, तुम्हें राइस पसंद है ना? क्या हुआ, परेशान लग रही हो? नहीं नहीं ठीक हूँ। तबीयत ठीक है? जी ठीक है। खाना खा लो, फिर तुमसे एक जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है बोले? मैं शायद आइसक्रीम फ्रीजर में रखना भूल गई हूँ, रखकर आती हूँ ना मेल्ट हो जाएगी। खेले? देखो हाजरा, अब सब कुछ तुम्हारी मर्जी से हो रहा है, अब प्लीज मॉम के साथ अपना रवैया ठीक कर लो। मुझे तो लगा था कि आप मेरी मॉम के बुलाने पे यहाँ लंच पर आई हैं। हाँ तो? But I was wrong. आप तो अपनी मॉम के दुख सुनाने आए हैं। ऐसी बात नहीं है हाजरा, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। तुम मेरी बीवी हो, मेरे होने वाले बच्चे की माँ, यकीन जानो। अच्छा, तुम मेरी ये गलती को माफ नहीं कर सकती। उस दिन पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं बहक गया था, वरना मैं महापारा को हमेशा से अपनी बहन समझता रहा। हजरा, अब तो वो मर गई है, अब तो तुम्हें कोई डर नहीं होना चाहिए। और अगर वह जिंदा होती तो? जिंदा है तो नहीं ना। अगर जिंदा होती तो क्या मुझे डरने की जरूरत थी? जब वो जिंदा है ही नहीं तो इस बात पे परेशान होने की जरूरत ही क्या है। चलो खाना खाते हैं, तुम्हारी मॉम ने कितनी मेहनत से इतना सारा खाना बनाया है। हाँ क्या खाओगी बताओ? आपने? नहीं, पहले आप।